आपको दोस्तों एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको व्यूज़ वगैरह बढ़ाना है, तो आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। दोस्तों इस तरह का आपको आएगा कुछ, तो इसको आपको सिंगल पे क्लिक करना है। फिर आपने कोई पुरानी आईडी को लॉगिन करने का है, जो भी आपने आपके पास कोई भी है, कौन से भी आपको लॉगिन करने का। लॉगिन करने के बाद आप कौन से भी अदरवाइज आपकी लॉ जो कुछ भी आप आईडी इसमें कर सकते हो, आपकी आईडी यूट्यूब आईडी आपको कुछ ही इसी तरह दिखाई देंगे। इधर आपको इधर बताया जा रहा है कि एक यानी आपको एक कौन सा भी वीडियो इसी तरह देखने का है, और इधर आपको इसी तरह आपको वीडियो को ओपन करने का है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इसी तरह का दिखाई देगा, जहाँ पर आपको लिखा हुआ है वॉच द वीडियो फॉर लास्ट 30 सेकेंड का। आपको कोई वीडियो देखना है जिससे आपको कॉइन्स वगैरह इधर दिया गया, ये इसी तरह आपको सेकंड वगैरह चलता हुआ दिखाई देगा। उसे इसी तरह सेकंड चलने के बाद आपको दिखा देगा आपको कैसे इसमें करना है। इसी तरह आपका टाइमर पूरा होगा, और टाइमर पूरा होने के बाद आपको इसी तरह के वीडियो वगैरह देखने का है। ये टाइमर पूरा होने के बाद आपको क्या करने का है दिखा देते हैं। टाइमर पूरा होने के बाद आपको डायरेक्ट नीचे चेक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों आपको 9 कॉइन्स मिल गए हैं, और उस कॉइन्स को आपको कैसे उपयोग करना है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों उस कॉइन को आपको क्या करना है, अपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको व्यूज, सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक, कमेंट कुछ भी आप इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग अपना व्यूज ही बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब्सक्राइब वगैरह मत करना, क्योंकि उससे प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए आप सब्सक्राइब वगैरह मत करना, आप सिर्फ अपने वीडियो की व्यूज ही बढ़ाना, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वीडियो में। उसी तरह आपको क्या करना है, आपने कौन सा भी एक वीडियो की लिंक को इधर शेयर करने का, तो आपको क्या करने का है, इधर शेयर करने के लिए आप कौन सी भी अदरवाइज कौन से भी अपने दूसरे दूसरे यूट्यूब से यूट्यूब चैनल में से आपका वीडियो को कॉपी लिंक कर देंगे। लिंक करने के बाद आपको दिखा देते हैं, इसी तरह प्रोसेसिंग चालू रहेगा। इधर से आप अपने वीडियो को कॉपी को लिंक को अपने इधर वीडियो चालू करके फिर आप अपने लिंक को कॉपी करने का है। कॉपी करने के बाद क्या बोला है, उसके बाद वो पेस्ट करने का है, जो आपने पेस्ट करने के बाद आपको कुछ ही इसी तरह से दिखाई देगा। इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करने का है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड करने का है। उसी तरह आप देखेंगे तो आपका वीडियो वगैरह, ये देखो योर वीडियो बीन बैंक सक्सेसफुल बोले तो आपको वो व्यूज़ मिल गए हैं। लेकिन वो व्यूज़ आपको डायरेक्ट नहीं आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम ये आधा घंटा वगैरह टाइम लगेगा। दोस्तों इस ऐप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।